के साथ देशवासियों के साथ खड़े रहने वाले लोग। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में गरीबी कम करने के भी बड़े बड़े आंकड़े दिए गए, लेकिन एक बात भूल गए, इस देश का गरीब इतना विश्वासघाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी भलाई के काम करे और वो फिर उसको ही सत्ता से बाहर करे। ये देश के गरीब के स्वभाव में नहीं है। आपकी ये दुर्दशा इसलिए आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपनी चुंगाल में फंसाए रखोगे, लेकिन गरीब जाग गया, गरीब आपको जान गया। इस देश का गरीब इतना जागरूक है कि आपको 44 सीटों पर सिमट दिया, 44 सीट पर लाकर के रोक दिया। कांग्रेस 1971 से गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीतती रही थी। 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नई परिभाषा दे दी। माननीय अध्यक्ष जी, देश के नौजवानों ने इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। और अध्यक्ष जी, आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं तो उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेल लाइन से बेचारों का पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, 40 साल बाद कांग्रेस गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। ये कैसे हुआ, इसकी सच्चाई देश के युवाओं को पता होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है हमारे देश में पहले रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता था। जो फर्स्ट क्लास होता था, एक लाइन लिखी रहती थी दरवाजे के बाजूगढ़ में, सेकंड क्लास में दो लिखी रहती थी, थर्ड क्लास में तीन। इनको लगा ये थर्ड क्लास वाला जरा मैसेज ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक लाइन निकाल दी। ये इनके तरीके ऐसे ही हैं, और उनको लगता है कि वो गरीबी हट गई, और उन्होंने सारे उसके बेसिक नॉर्म्स बदल करके कह दिया 17 करोड़ गरीब नहीं गिने जाएंगे। इस प्रकार से आंकड़े बदलने का काम वो करते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ तात्विक मुद्दों को उठाने की कोशिश की, मैंने तो समझने की बहुत कोशिश की, शायद कोई समझ पाया हो, ऐसा तो मुझे अभी कोई मिला नहीं है। लेकिन जो कोई समझ पाया होगा तो मैं समझने के लिए तैयार हूं। ऐसे कुछ बातें सुनता हूं तो माननीय अध्यक्ष जी, सदन में राष्ट्र को लेकर बातें हुई, ये बातें हैरान करने वाली है। मैं मेरी बात रखने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूं, और मैं कोट कर रहा हूं, यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठे, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी,
पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी